भाई साहब नमस्ते कर रहा है। देखो शाश्वत कौन से दंडवत शास्त्र दंडवत प्रणाम। प्रणाम। देखिए मैं अरपरदीप मार्केट में घूम रहे हैं और जहाँ गए थे वहाँ पे कपड़े में जचे नहीं। मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, पूनम जालीवाल व्लॉग में आपका स्वागत है। हाजी हम एक और नए व्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह आज धूप निकली इतनी अच्छी, इतना अच्छा मौसम हो चुका है। ठंड थोड़ी सी कम हुई है धूप निकलने के बाद, नहीं ठंड तो बहुत ज्यादा थी। और अभी हम मैं कर रही हूँ व्लॉग की शुरुआत। ये देखिए कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं फेस घुमा के खड़े हुए हैं। तो ये है हमारे घर का केजरीवाल और ये आ गया हमारा। नमस्ते कर रहा है। देखो शाश्वत कौन से दंडवत प्रणाम। प्रणाम आए पूरे घर का ना, अगर घूम के कचरा दिखाता रही हो। हाँ जी केजरीवाल साहब, आप क्या कहना चाहोगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केजरीवाल साहब। नहीं नहीं नहीं, मना कर रहा है। ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। चलो ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ, नहीं गिर जाएगा भाई। ऊपर पहले गिरा था इस पर। नहीं मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो हमारे केजरीवाल साहब शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे। और ब्रूनो मेरे पीछे पीछे, ब्रूनो तो सिर पचड़ के नाच लेगा मेरा। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। देख देखिए देख मेरे पैर, रुक रुक जा। देखिए देखो देखो मेरे पैर 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 छू रहा है। देख पैर पकड़ गया मेरे, बोल रहे चल क्यों रही है। ये हमारे सारे घर का कबाड़ा दिखा देंगे दोनों के दोनों। आगे आगे चल के मैं थप्पड़ मार दूंगी ब्रूनो। गंदा गंदा ब्रूनो। अच्छा अच्छा, चलो 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 चल, तेरी बना रही हूँ, तेरी बना रही हूँ, तेरी बना रही हूँ। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ खाना बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी की कढ़ी और उसकी तैयारी चल रही है। अभी पकोड़े तो बन चुके हैं, ये देखिए, और कढ़ी भी बन चुकी है। अब तड़का लगेगा, तो तड़का मैं कर दूंगी फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड जल्दी जल्दी जल्दी। प्याज हो चुके हैं और ये है टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन कड़ी को एक्स्ट्रा खट्टा बनाने के लिए, क्योंकि लस्सी खट्टी नहीं थी। ये ड्राई मसाले, अब हमारा एक तड़का तो हो चुका है तैयार, अभी ये दूसरा शुरू करूंगी। तो कड़ी में बन लगते हैं हमारे दो तीन तड़के, जब जाके कड़ी कड़ी बनती है। तो पहले डाल दूंगी ये पकौड़े, अब डाल दूंगी इसके अंदर ये तड़का। तैयार कर लेती हूँ मैं। इसमें जाएगी पहले तो थोड़ी सी हींग, फिर बारीक कटा लहसुन, और इसके साथ ही डाल दूंगी ये दो तीन हरी मिर्च, इसको एक्स्ट्रा तीखा बनाने के लिए कड़ी को। अब ये भी हो चुके तैयार, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और थोड़ी सी ये राई, अब ये बाहर आ जाएगी भाई, उछल उछल के। ये तड़का भी हमारा हो चुका तैयार। कड़ी वैसे तो है तैयार, अब इसमें एक तड़का और लग सकता है भाई, देखूंगी लगाऊंगी कि नहीं। कड़ी हो चुकी है तैयार, अभी रोटियों की तैयार मतलब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। चावल बनाऊंगी, रोटी बनानी है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। हेलो, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जाना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा,
छत पे जाके तो बहुत अच्छी तरह दिख रही है, अभी मैं नीचे से ही दिखा रही थी। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ सारा काम खत्म करके, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बना है नाश्ते। मैंने वैसे बता दिया था क्या क्या बना है, तो चलो कर लेते हैं हमारा नाश्ता। कड़ी चावल, बाजरे की रोटी, सलाद, बुनो। खाना खा लिया? और मैं ये नीचे बैठा था जस्ट, मैं जैसे बोला ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ, ऊपर जाके आके बैठ गया देख पास में। और अभी बज चुके हैं दिन के 12, और दिख नहीं रहा, सैटेलाइट है, मैं दिखाती तो आपको टाइम। तो हमारा ब्रेकफास्ट आजकल स्किप हो जा रहा है ठंड की वजह से, क्योंकि लेट उठते हैं ना, तो ये ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ब्रंच बन जाता है हमारा, इसलिए अभी दोपहर ही होगी। तो चावल सब कुछ साथ में लेके अभी कर लेते हैं नाश्ता, लंच जो भी। बोलो खा लिया खाना? खाना खा लिया बेटी ने? खा रखे खाना, सबसे पहले खाया करो गंदा बच्चा, और फिर भी देखा किस तरह बैठ गया। चलो मिलते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे खाना वाना खा के थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए, पर धूप आज बहुत ज्यादा है। तो देखो हमने छत बना ली, यहाँ पे तार पे कपड़े डाल के और बैठ गए, आंख भी नहीं खुली इतनी तेज धूप है। और कुछ फिर ब्रूनो का बैठे क्यों धूप में? ब्रूनो हेलो मनीषा, मनीषा जा रही नीचे, धूप आगे ज्यादा। ब्रूनो भी नीचे चला गया था, ब्रूनो भी नीचे चला गया था, अरे वो वापिस फिर आ गया, धूप इतनी तेज ज्यादा हो रही है। तो चलो ब्रूनो नीचे चलते, नहीं है ऊपर काम नहीं है। अभी हो चुकी है दोपहर के, बज चुके हैं 1:30, और अब हम जा रहे हैं पर मार्केट में। प्रदीप का बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी कपड़े पड़े लेके आ रही हूँ, और जो मेरे भाई का लड़का है छोटू छोटा उसके भी थोड़े कपड़े लेके आऊँगी, फिर बाकी तो मैं वहीं से ले लूँगी। अभी एक बार ले जाने के लिए शायद मेरे को कल जाना भी पड़ जाए, तो पता नहीं पक्का, क्योंकि अभी कुआ पूजन आने वाला है ना, तो इसलिए मैं एक बार मार्केट जाके आ रही हूँ। दिखाती हूँ फिर क्या क्या लिया, कहाँ से लिया। मिक्स वेज ये इसका मिक्स वेज लग रही है, ये रे छोटे छोटे क्यूट से, पर ये बड़े बच्चों के भाई, इतना छोटा इतना बड़ा हुआ है नहीं हमारा। हाँ ये रे नहीं सर, ये भी 150 ये साल में मैं और प्रदीप रे बच्चों में कपड़े देखने के लिए, देख तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, देखते नहीं तो मार्केट में से देखना पड़ेगा। कौन सी मार्केट है ये? प्रदीप मार्केट में घूम रहे हैं, और जहाँ गए थे वहाँ पे कपड़े हमें जचे नहीं, प्रदीप के कपड़े जूते भी नहीं मिले, और अब हम घूम रहे हैं मार्केट में। देखो मार्केट में थोड़े से चप्पल जूते, प्रदीप के कपड़े तो लेके नहीं आया, और ये घर का सामान लिया है बाकी का, तो थोड़ा सा कपड़े तो लेके नहीं आया प्रदीप, बोला मेरे को कपड़े की जरूरत नहीं है, जूते जूते ठीक है, तो जूते ले आई उसके, मैं थोड़ा सा और सामान ले आई बस। अब आ चुके हैं घर, अब करेंगे शाम की तैयारी, 4 बज चुके हैं, अब चाय वाय बना लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर चाय वाय पीने के बाद में मैंने अभी एक गाजर का अचार बना रही हूँ मैं, जो इंस्टेंट गाजर का अचार है, जो आपको हाथों हाथ बना के और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होता, हमारे घर में भी रखा हुआ है, 2 साल से भी रखा हुआ है, हर साल बना लेते हैं ना, तो पीछे का भी बचा हुआ था, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो देखिए आप भी बना लीजिए। तो तेल गर्म करके, और मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, राई, ये सब भून लिया था इसमें, और जब गाजर काट के मैंने पहले रख दी थी थोड़ी देर, तो इन गाजरों को ना पहले काट के थोड़ी देर धूप में सुखाना होता है, और उसके बाद इसको इस तेल में फ्राई कर लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा देर नहीं, हल्का सा, और इसको निकाल के फिर बर्तन में रख देंगे हम इसको, और फिर इस अचार में हम तेल डाल देते हैं सरसों का,
तो ये बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। अगर इंस्टेंट खाना है तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिनों के लिए रखना है आप लोगों को तो इसमें तेल डालना ज़रूरी है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे मिर्च है, नमक है और हींग भी डाल सकते हो आप, अगर आपको ज़रूरत लगती है। इसमें अच्छा लगता है टेस्ट में, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो ये इंस्टेंट अचार बना लेते हैं हम तो घर में। जैसे अभी सर्दियाँ शुरू होगी, गाजर बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं और सस्ती भी हैं, क्योंकि आजकल वाले गाजर अच्छी होती है ना, थोड़ी मीठी मीठी भी हैं, तो अचार इनका टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करेंगे ये वाला अचार बना के, और इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हो। तो चलिए, आप लोगों का आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ऐसे मज़ेदार व्लॉग देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।